आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा आपका दिन और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मेष राशि, मंगल प्रधान राशि, आपसी रिश्तों में प्रेम और स्नेह बिल्कुल बढ़ेगा, व्यापार में अनुकूल तरक्की होगी, शाम तक आप कहीं घूमने जा सकते हैं परिवार के साथ या फिर मित्र के साथ। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी, लकी नंबर है 9। आज एक छोटा सा उपाय भी करना है, अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को अन्न या फिर कपड़े का दान जरूर करिए। वृषभ राशि, शुक्र प्रधान राशि, वृष राशि के जितने जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी, कहीं ना कहीं धन लाभ भी होगा, शाम तक पत्नी की सेहत में कहीं ना कहीं सुधार भी होगा, अपनी दोस्ती में किसी भी तरीके से शक या संशय बिल्कुल ना करें। शुभ रंग है आपके लिए ब्लू यानी कि नीला, लकी नंबर है 8। आज जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को अन्नदान जरूर करिए। मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि, भाई आज आपको एक सावधानी बरतनी है, आज कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश नहीं करना है, यही आपके लिए रामबाण उपाय है। शाम तक मन के अनुसार लाभ की प्राप्ति होगी यानी कि धन लाभ होगा, आज किसी की झूठी गवाही ना दें, बिल्कुल आप इस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी, लकी नंबर है 7। आज थोड़ी सी भीगी हुई साबुत मूंग आप पक्षियों को डालिए, ऐसा करने से आपकी कुंडली का बुध मजबूत होगा और शुभता भी मिलेगी। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशिफल के विषय में। कर्क राशि, चंद्र प्रधान राशि, भाई जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं आज सफलता मिलने का जबरदस्त योग बना हुआ है, भौतिक संसाधनों में आज बहुत वृद्धि होगी, पैसे के लेन देन को लेकर आज सतर्क रहना होगा। शुभ रंग है आपके लिए सफेद, आज के लिए लकी नंबर है 3। अपने कुल देवता के या कुल गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करें। सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि, मित्रों अगर आपकी राशि सिंह है तो समाज में यश मान खूब बढ़ेगा, खूब आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अपने प्रियजनों से या बेहद करीबी लोगों से आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, आज उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए सिंदूरी, लकी नंबर है 1। आज मीठी वस्तु का दान जरूर करिए। कन्या राशि, आय के नए स्रोत आज आपको मिल सकते हैं, अचानक दौड़ भाग भी बढ़ेगी, मेहमान आने का प्रबल योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, लकी नंबर है 8। आज एक महामंत्र का जाप करिए, ओम श्री गणेशाय नमः, इस महामंत्र के जाप के प्रभाव से सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि तुला वृश्चिक धनु राशि वालों का कैसा बीतेगा दिन, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन सा रंग उनके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार में आज मांगलिक कार्य हो सकता है, अचानक गुस्सा करने से आपके परिवार में और आप में कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ेंगे, दैनिक कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, लकी नंबर है 2। आज के दिन ओम श्रीम नमः मंत्र का कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से कम 108 बार जाप करें, इस मंत्र के प्रभाव से आपको रुके हुए धन की प्राप्ति अवश्य ही हो। वृश्चिक राशि, पार्टनरशिप में परिवर्तन हो सकता है, अपनी आंखों की सेहत का आपको ध्यान रखना है, अधिक धन खर्च ना करें तो आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ, लकी नंबर है 5। आज कम से कम 100 कदम आपको पैदल जरूर चलना चाहिए, संभव हो तो आप जब खाना खाएं थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद ऐसा करें तो आपके पाचन तंत्र की समस्याएं खत्म होंगी। धनु राशि, रुके हुए पैसे की प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी, फेफड़ों की समस्या का ध्यान रखें, अगर आपको कोई लंग डिजीज है तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, आज आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि होगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल, लकी नंबर है 9। आज संभव हो कहीं पर अपने ऑफिस में
या कहीं एकांत स्थल पर ओम मंत्र का कम से कम 27 बार उच्चारण जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आज हृदय रोग से बचाव करें, परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, देर रात तक आपका कार्य बन सकता है। शुभ रंग है गेरुआ, लकी नंबर है 8। आज ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करिए। कुंभ राशि, आज मित्र की सहायता से आपकी योजना सफल होगी, परिवार के लोगों का आपको साथ मिलेगा, अतिथि आने से आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, लकी नंबर है 6। आज शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाइए। मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि, निर्धन लोगों की सहायता करने से आपका मन प्रफुल्लित होगा, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, प्रेम प्राप्ति में आज मुश्किलें अवश्य आएंगी। शुभ रंग है आपके लिए पीला, लकी नंबर है 3। आज एक छोटा सा उपाय आपको करना है, अपने घर की पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का एक चित्र रखिए या फोटो रखिए और भगवान विष्णु की उपासना करिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।